हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से अपने बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ और आप लोग ज़रूर मेरे लिए 2-3 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बनारस से हूँ। बनारस में मेरा गाँव है सारनाथ और मेरा नाम नीतू यादव है। और मैंने लव मैरिज किया है जिसकी वजह से मुझे सभी लोग, जिससे मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। अभी 3 साल हो गए लेकिन मुझे को मतलब जाती भी नहीं, अगर कोई बुलाएगा तो नहीं जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं उस लायक ना बन जाऊँ किस, मैं जाऊँगी नहीं कहीं भी, मुझे कोई कितना बुलाएंगे भी नहीं, वो लोग बात तो करते नहीं, बुलाएंगे कहाँ से। फिर भी मैं खुश रहती हूँ, खुश रहती हूँ भी नहीं रहती हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं ना रहूँ। सबको लगता है मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। अगर खुश रहती ना तो बहुत मतलब कि क्या होता है वो तो मैं ही जानती हूँ, मैं रूम में कैसे रहती हूँ। जो मेरे साथ रहता है वो भी जानता होगा ना कि मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती हूँ, कितना रोती हूँ नहीं रोती हूँ, अलग बात है। और मैं यही कहूँगी ना, ज़िंदगी में कोई भी कभी लव मैरिज ना करे, क्योंकि इतना मतलब इतना सब कुछ सह के लव मैरिज करो फिर ससुराल में आना, ससुराल वालों का रिएक्शन देख के मन तो करता है क्या से क्या कर दे। नहीं करना चाहिए लव मैरिज, करने के बाद सबको पता चलता है, ऐसे तो सब बोलेंगे, मुझे भी सब अभी कमेंट आएगा कि तब क्यों की, उस टाइम कोई नहीं जानता है ना, हमने जिसे हम किया हमको उससे तकलीफ नहीं है मेरी, और ना ही लगता है कि हमें कभी ज़िंदगी में हो पाए। हम जो अलग रहते हैं परिवार से उनको ठीक है, और जो सोचते हैं कि हम परिवार से अलग हैं परिवार में हो जाए ना तो परिवार वाले एकदम थके नोच लेते हैं सब, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम परिवार में ना तो 4-5 साल बीत जाए तब जब परिवार में तब ठीक रहते हैं, तब बोल के कोई नहीं बोलेगा। अगर आप शुरुआत से रह रहे हैं तो सब बोलेंगे। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमें, आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, तब मैं आप लोग को अपने लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग जरूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।